अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ मैं एक न्यूज़ शेयर कर दूंगा जी। मैं इसमें भाई तमाम वो भाई शामिल हैं जी जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, जिनके इकामे एक्सपायर हैं, जिनके हरूब हैं, जिनके मतलूब हैं, जो कंपनी से भागे हुए हैं, या हारिस आमल मंजिली या साय खास आमला मंजिलिया या इससे रिलेटेड कोई भी छोटा महीना बदून कफील काम कर रखे हैं जी, वो सब इसी के ज़ुमरे में आते हैं। अच्छा, इसमें वो भाई नहीं आते हैं जी जो सऊदी अरब से सफ़र कर चुके हैं, पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं, उनमें चाहे वो किसी हरूब की सूरत में, यानी कि हरूब लगा हुआ था, डीपोर्ट हुए, या सफारा से उपस बनाया, या वाफदिन से क्रूज लगवाया, या इकामा एक्सपायर था और शूटों ने पकड़ कर डीपोर्ट कर दिया, या सफारा से क्रूज लगवाया, या बदून कफील पकड़े गए, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, वो भाई इसमें शुमार नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई सफ़र कर चुके हैं, वो तो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। हाँ, अगर वो न्यू वीज़ा लेना चाह रखे हैं तो वो अपनी पाबंदी वगैरह के मुतलक अपना स्टेटस वगैरह चेक करवा लें, उसके लिए व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप इसके ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। बहरहाल जी, आपको मैं अभी चलते हैं न्यूज़ की तरफ, और न्यूज़ ये है जी कि सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ हाईलाइट करता होता हूँ इस वीडियो में, वो क्या जी, तरहील डीपोर्ट, यानी कि वो देख लें, 7557 अफराद, यानी कि 7557 अफराद वो हैं जी पिछले 7 दिनों में सऊदी अरब से डीपोर्ट किए गए। भाई इनमें इकामा एक्सपायर, हरूब मतलूब, बदून कफील, साय खास आमल मंजिली सब आते हैं। अभी मैं आपको मुकम्मल डिटेल इनकी बता देता हूँ। मैं अगर हम टोटल की बात करें तो आप टोटल देख लें 12,770, ठीक है जी, तकरीबन 13,000 के अराउंड में ये वो बंदे हैं जी जो पिछले 7 दिनों में गिरफ्तार हुए। इनमें कौन कौन से आते हैं ये भी सुन लें। इनमें सबसे पहले मुखालफा निज़ाम अल इकामा, मैं यहाँ पर एक दायरा लगा रहा हूँ, ये है जी मुखालफा निज़ाम अल इकामा, इनकी तादाद है 6,695, यानी कि आप बोल रहे 6,700 बंदे सिर्फ इकामा एक्सपायर वाले पकड़े गए हैं, और कंपनी से मुसस्सा में जो भाई काम करते हैं ना, उनके इकामे ज़्यादातर कंपनी मुसस्से लगा ही नहीं रही हैं, दो दो तीन तीन चार चार इकामे एक्सपायर हो चुके हैं। आगे अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद की, तो इनकी तादाद है जी 3,960, और अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अल अमल, अच्छा इनकी तादाद है 2,122। ये वो बंदे हैं मुखालफा निज़ाम अल अमल वाले जो भाई कंपनी से भागकर, कफील से भागकर, साय खास आमल मंजिली वगैरह वाले बाहर अपनी मर्जी से काम किए जा रहे हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो बदून कफील के जुमरे में रख के उनको डीपोर्ट किया जाता है, तो उनकी तादाद भी तकरीबन 2,200 के अराउंड में है। तो तमाम भाई जिनके इकामे वगैरह एक्सपायर हैं, तो यार आप कहीं नकल कफाला ले जाइए, आपका कफील के पुराने का अमल दखल कोई नहीं है, आप खुद से अपना नकल कफाला करवा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास चंद पैसे हों, यानी कि मिसाल के तौर पर जिसके नाम के ऊपर आपने नकल कफाला लेकर जाना है, उसके आपसे सालाना के हिसाब से या मंथली के हिसाब से जो भी डिसाइड करना है वो, और इकामे वगैरह जो पुराने आपके एक्सपायर हैं उनकी फीस वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी।